सो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ड का लास्ट ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सेव एज, सेव मैंने आपको बता दिया, ओपन होता है, क्लोज होता है, यहाँ से रिसेंट मिल जाता है, न्यू मिलता है, प्रिंट मिलता है, हेल्प होता है, ऑप्शन होता है, एग्ज़िट होता है। और एक दोस्तों, कुछ मैं आपको ट्रिक्स समझाने वाला हूँ, दो ट्रिक्स समझाऊँगा, जो कि एक है परमिशन, मतलब जो कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर देता है। दूसरा है आप कैसे बिना वर्ड ओपन किए एक शॉर्टकट वर्ड, मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर रैंड से लिख लिया है, ये सब मैंने रैंड फंक्शन यूज़ किया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सेव में आता हूँ, फाइल से सेव। तो सेव में आया, मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, ये जो होता है ना, ये जो ऊपर जो रहता है जिसमें हमें कुछ दिखता है कि लाइब्रेरीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा कुछ एक, इसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। ओके दोस्तों, डायरेक्टरी मतलब फाइल की लोकेशन क्या है, मतलब जैसे कि हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ज्योग्राफी में करते हैं जगह की लोकेशन को स्पेसिफाई करने, वैसे कंप्यूटर में डायरेक्टरी होता है, या फिर आप फाइल लोकेशन भी इसे कह सकते हो। फाइल लोकेशन की डायरेक्टरी क्या है, वो है लाइब्रेरी / डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये होता है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखो मेरा डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप है, जो कि सी के अंदर आता है। तो ऑन द इंसर्ट टैब फाइल का नेम आ रहा है, मैं फाइल का नेम बदल देता हूँ, विथ देता हूँ, इसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, बस आपको ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो जिसका एक्सटेंशन होता है DOCX, डॉक्स एक्सटेंशन उसका, और दूसरा है PDF। ओके दोस्तों, तो ये दो अगर टाइप आपको पता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, यही दो मेन है, ये सब कोई काम का नहीं आता। एक है PDF, एक है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने। देखो दोस्तों, जैसे ये सेव हो जाता है, तमन्वित यहाँ पर मतलब नाम आ गया कि ये डॉक्यूमेंट का नेम है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, पर तमन्वित मैंने ओपन किया, ये देखो दोस्तों आ गया। दोस्तों यही है हमारा सेव। अब दोस्तों जैसे कि सेव एज, दोस्तों मैं जब इसे सेव करता हूँ ना, तो देखो वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मतलब एक ही फाइल को जब हम दो डिफरेंट नेम या फिर मतलब दो डिफरेंट जगह पर सेव करना होता है हमें एक ही फाइल नेम से, तब हम क्या करते हैं, सेव एज, सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर तमन्वित नहीं, मैं इसे तमन्वित 2 दे देता हूँ, देखो दोस्तों तमन्वित 2, ये देखो देखो तमन्वित आ गया, यहाँ पर तमन्वित 2 आ गया। तो मैं इसे ओपन कर दूँ, दोनों सेम ही है, तमन्वित भी ओपन करता हूँ आपके सामने, दोनों सेम है, दोनों ही आ गया मेरा। दोस्तों ये था सेव एज और सेव का कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब कुछ खोलना, मेरा जैसे कोई मतलब मुझे कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, जैसे कि मैं समझ लो मुझे खोलना है, डेस्कटॉप में गया मैं, इधर ऑल में मेरे को शायद कुछ मिल जाए, ड्यूटी लिस्ट, मैं यहाँ पर इसी को खोलता हूँ, ये देखो दोस्तों ओपन कर दिया, ये देखो दोस्तों ओपन आ गया, मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। सो ये है हमारा ओपन का काम। अब आते हैं दोस्तों क्लोज पर, ये देखो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर था जो कि तमन्वित 2 शायद, वो क्लोज हो गया। फिर से हम इसे ओपन करते हैं, डेस्कटॉप तमन्वित 2 को ओपन करो भाई। ओके दोस्तों, तो आपने देख सकता है कि ये ऐसा हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर है प्रिंट, है प्रिंट, मैं आपको एक बार दिखा, मैं प्रिंट तो नहीं करूँगा पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों ये प्रिंट आ गया, प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब हर मतलब सारा जितना आपका डॉक्यूमेंट का पेज है वो सारा आ जाएगा आपके प्रिंट में। या फिर आप यहाँ पर पेजेस दे सकते हो कि 1 दिया मैंने, 3 दिया, 5 को प्रिंट करो और 9 को प्रिंट करो, और किसी को प्रिंट नहीं करना। ऐसे आप नंबर देके, कॉमा कॉमा देके आप बता सकते हो प्रिंटर को कि ये पेज, मतलब ये पेज नंबर ही आपको सिर्फ करना है कॉपी, मतलब प्रिंट करना है,
यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी कर लिया दोस्तों। यहाँ से आप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन अगर आपने नहीं बदला, मतलब बदला नहीं हो तो आप पेज लेआउट टैब से भी बदल सकते हो। ये देखो पेज लेआउट टैब में है ओरिएंटेशन। फिर से प्रिंट में आता हूँ मैं। लेटर से आप कुछ भी साइज़ कर सकते हो, ऐसा ही रहता है दोस्तों। मार्जिन आप कर सकते हो, ये सब आपका मतलब जितना सब जो सब चीज़ें पेज लेआउट में थी वही सब यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं प्रिंट में। और जब हो जाए तो डायरेक्टली इसे प्रिंट कर देना आपको बस दोस्तों, ये हो जाता है। तो मेरा ये प्रिंटर अभी कनेक्टेड नहीं है इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। मैं अभी इसे ओके करके क्लोज कर दिया मैंने दोस्तों। अब हम आते हैं परमिशंस। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये सब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करना पड़ता है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड मैंने दिया यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ किया तमन सॉरी 1 2 3 4। ओके दोस्तों, यहाँ पर री एंटर करना बता रहा है ये कि जितना जो तुमने इंटर किया उसे री एंटर करो 1 2 3 4। दोस्तों ये हमारा लॉक हो गया डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, सेव कर दिया इसको। टाइम है अभी भी, फिर से ओपन करते हैं इसको तमन विथ 2। देखो दोस्तों पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4। ये देखो दोस्तों ओपन हो गया ये। तो दोस्तों ये था हमारा मतलब मैंने जो जो आपको बताई कि ये वाला सिखाऊंगा मैं। और दोस्तों एक कि कैसे आप मतलब इमीडिएटली मतलब एक फास्ट एक्शन में कैसे आप क्विक एक्शन में एक एमएस वर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, जो जो आपके पास सॉफ्टवेयर है ना उन सब की आप एक मतलब खोल सकते हो उसको ईजीली। आपको सिंपली राइट क्लिक करना होगा डेस्कटॉप पर आके, व्यू है, सॉर्ट बाई है, यहाँ पर न्यू मिलेगा। न्यू से आपको फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये सब मिल जाते हैं। हम जैसे वर्ड सीख रहे तो वर्ड का एक ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों आ गया, मैं यहाँ पर फाइल नेम दे देता हूँ HHH, इसे ओपन करता हूँ दोस्तों। देखो आ गया, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आ गया दोस्तों। होप दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर रिजल्ट्स अच्छा है तो एक्सेल का भी बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, जय हिंद।